السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي अब जादूगर शैतानों को किस तरह इन्वॉल्व करते हैं वो पहले उनकी बातें मानते हैं उनके गलत हुक्म मानते हैं वो शिरक करने को कहते हैं तो ये शिरक करते हैं और वो गलत किस्म की बातें नऊज बिल्ला अल्लाह ताला के बारे में या और इसी तरह पैगम्बरों के बारे में या दीन के बारे में या दीन वालों के बारे में करने को कहते हैं तो वो वैसे ही करते हैं क्योंकि इसके बगैर वो बात नहीं मानते यानी पहले वो अपनी मनवाते फिर उसके बाद काम करके देते हैं तो बाज लोग होते ना वो कहते हैं फुला आमिल है उसके पास मोक्ल है और उसके जरिए हम फुला और फुला काम करवा सकते हैं तो इससे बचना चाहिए क्योंकि वो किस तरह काम लेते हैं इन एक माहदा होता है दो तरफा कि तुम हमारी ये बात मानो फिर हम तुम्हारी ये बात मानेंगे और तुम हमारी क्या मानो नउजबिल्ला अल्लाह को गालियां दो मसला तो वो क्या है वो उसको फिर देनी पड़ती है इसके बगैर वो हाथ नहीं आता और फिर वो इसी तरह गलत तरीके इख्तियार करते हैं बाजा आयात कुरानी को पीरियड्स के खून या किसी और निजात पिशाब वगैरह से लिखते हैं इसीलिए कहते हैं कि जो पैड्स होते हैं इनको प्रॉपरली वेस्ट करना चाहिए खसूस अगर उनके ऊपर फ्रेश ब्लड हो तो उनको ऐसे ही थ्रो नहीं करना चाहिए या तो उसको पानी के नीचे थोड़ा कर दे या फिर ये है कि सारे मिलाकर उनको जला दें या किसी भी तरह उनको डिस्ट्रॉय करें उनको ऐसे खुला ना छोड़ दें क्योंकि जिन्नात जादूगर किसी तरीके से ये खून हासिल करते हैं और फिर उनसे वो आयात लिखते हैं। अब ये आयात की किस कदर बड़ी तोहिन है जब वो ये काम करते हैं तो फिर वो जिन उनके काबू में आते हैं, फिर बात कुरानी आयात को पांव के नीचे लिखते हैं, कभी कुरान मजीद को पाओ से बांध कर बैतुलखला में जाते हैं बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लिए बगैर जानवर जबा करते हैं और शैतान के बताए हुए जगह पर जाकर फेंकते हैं उस गोश्त को वो कभी आपने देखोग लोग छतों पर पे फेंक देते हैं या तो ये चीले खा लें और सदका तो इंसानों को ज्यादा जरूरत है ना खाने की जो गरीब लोग हैं ना के चीलों को खिलाने की या फिर किसी ऐसे जंगल में फिकवाते हैं जहां उनके चेले होते हैं या कभी आयात तो कुरानी को उल्टा भी लिखते हैं बैक ट्रैक करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो माने बदल जाते हैं ठीक है ना अब मिसाल के तौर पर आप देखिए डॉग को अगर आप उल्टा लिखें तो क्या बनेगा ठीक है ना या गॉड लफ्स को अगर उल्टा लिखें तो क्या बन जाता है ठीक है ना तो कितनी गलत चीज में कन्वर्ट हो जाता है वो लफ्स तो इस किस्म की बेहुदा बातें जो हैं वो करते हैं और उससे मानी जो है वो तब्दील हो जाते हैं या कभी सगी माँ या बेटी से जना वगैरह करते हैं शयातीन के कहने पर यानी हद दर्जे के कभी अमल करते हैं और इस तरह फिर वो उनसे काम लेते हैं इमाम इबिन तैमिया कहते हैं शैतान खुद अपनी ज़ात में खबीस है तो जब अजाइम पढ़ने वाला और कस्मे खाने वाला और रूहानी जादू की किताबें पढ़ने वाला और इसी तरह की दूसरी चीजें पढ़ने वाला ऐसी चीजों के साथ शयातीन का तकर्रब हासिल करता है जिनको शयातीन कुफर और शिरक में से पसंद करते हैं तो उनके लिए ये चीजें रिश्वत और चट्टी के काम मकाम होती है ये दरअसल इस तरह के काम करके वो जिन्नात को रिश्वत देते हैं शैतानों को रिश्वत देते हैं और फिर शयातीन उनके कुछ अगराज मकसद पूरे करते हैं जैसे कि इंसान को माल वगैरह ला देते हैं जैसे आप देखें बाज लोग अपना काम निकलवाने के लिए माल की रिश्वत देते हैं या फिर किसी को कत्ल कर देते हैं कोई कहता है कि तुम फलां को कत्ल कर दो तो तुम्हें इतना माल देंगे फिर इसी तरह और भी बेहुदा काम करवाते हैं तो यही वजह है कि उनमें से बहुत से कामों के लिए वो अल्लाह के कलाम को नापाक चीजों के साथ लिखते हैं कभी कलाम के हरूफ को उल्टा करके पढ़ते हैं कभी अलफात्या और कुल कुल्हल्लाह के हरूफ को उल्टा लिखते हैं तो आप देखिए कि जब कुल कुल्हल्ला और अल्फात को सीधा पढ़ा जाता है तो इलाज होता है ना जब उल्टा लिखकर तकलीफ देते हैं तो फिर उसको रिवर्स किया जाता है और अल्फात वगैरह पढ़कर इसीलिए अफातह को शिफा कहा गया ना तो चूंकि इसमें शिफा है इस सूरत का नाम भी एक शिफा है तो वो इसको उल्टा लिखते हैं ताकि बीमारी आए फिर ये भी याद रखिये कि अल्लाह से ताला की एक हमत है मसलहत है कोई कि इस तरह के उल्टे लिखे हुए कलाम या शैतानी किस्म के मंत्र वगैरह जो है वो इंसान पर असरअंदाज होते है होते अल्लाह के रिजन से ही है लेकिन ऐसी चीजों से भी नुकसान होते है इन जादू बरहक है हजरत आयशा कहती है कि नबी पर जादू किया गया था और उसका असर यह हुआ कि आप ख्याल फरमाते फला काम कर चुके हैं हालांकि नहीं होता था तो कुछ अरसा आप इस असर में रहे हजरत आयशा पर भी जादू हुआ था अमरा उनकी शागिदा वो कहती है की एक मरतबा ऐशा रजीला बीमार हो गयी और उनकी बीमारी का दौरानिया बहुत ज्यादा लम्बा हो गया इसी दौरान मदीना में एक तबीब आया आयशा रजिया के भतीजे उसके पास गए और उनसे हजरत आयशा की बीमारी के बारे में पूछा उसने कहा कि तुम जिस औरत की ये कैफियत बता रहे हो उस औरत पर तो जादू किया गया है और उस पर उसकी बांदी यानी लौंडी ने जादू किया यानी हजरत आयशा की जो सर्वेंट थी उसने जादू किया था जब तहकीक की गई इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस लड़की ने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने किया है पूछा गया क्यों किया है तो कहने लगी मैं चाहती थी कि आप फौत हो जाए ताकि मैं आजाद हो जाऊं तो बाजत इस तरह के भी नासमझ लोग होते हैं ना तो और कोई बात समझ नहीं आई हजरत आयशा ने तो बेशुमार गुलाम आजाद किए थे अगर वो रिक्वेस्ट करती तो वो उनको भी आजाद कर देती लेकिन बहरहाल क्योंकि हजरत आयशा ने उससे कह रखा था कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगी तो उसने कहा कि मैं इनको मार दू ताकि जल्दी आजादी मिले तो जब हजरत आयशा को ये पता चला तो उन्होंने फिर उस बांदी को फरोख कर दिया उसे आजाद नहीं किया फरोख कर दिया और कहा कि इसकी कीमत जो है इस जैसी बांधी पर खर्च करके उसको आजाद कर दो मगर इसको नीक एक तरह से सजा दी फिर इसी तरह ताब में से यानी बाद की जनरेशन में से भी कुछ नेक लोगों पर जादू हुआ काकाब इन हकीम कहते हैं कि काब अल अहबार ने कहा अगर मैं चंद कलिमात न पढ़ा करता तो यहूदी मुझे गधा बना देते लोगों ने पूछा वो कलिमात क्या है काब ने कहा आजमिन वालिमात तम मा तिल्ती जाविज्न्ना बर वाजिर वमा अल्लाहसना कुल्हा मा अलिम तुम्हा व मालम आलम मिन शरिमा खला का वरा जरा मैं अल्लाह के अजीम चेहरे की पनाह मांगता हूँ जिससे अजीम कोई और चीज नहीं और उसके मुकम्मल कलिमात के साथ पनाह चाहता हूँ जिससे कोई नेक या बद आगे नहीं बढ़ सकता और उस अल्लाह के तमाम असमाय हुसन के साथ पना चाहता हूँ जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता उस चीज के शर से जिसको उसने बनाया पैदा किया और फैला दिया ये दुआ फिफ्टी सिक्स पेज पर है तो ये दुआ जो थी वो पढ़ते रहते थे तो इस दुआ की वजह से अल्लाह सुबहान ताला ने उनको महफूज रखा क्योंकि उन्होंने शेल्टर ले लिया था पनाह ले ली थी अल्लाह के चेहरे की ठीक है